हेलो राय सर, हैप्पी टीचर्स डे. हेलो मैडम, थैंक यू. ओके, सो सर आप अभी टीचर हैं, बट कहीं ना कहीं आपके टीचर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा आपके टीचर्स ने आपकी लाइफ में. सो आई वांट टू नो वन इंस्पिरेशन विच यू हैव गॉट फ्रॉम देम एंड यू वांट टू इम्प्लीमेंट दैट इन द स्टूडेंट्स लाइफ. मैडम मेरे को एक टीचर याद आते हैं, लेट डॉक्टर विनोद सिंह सर. एलाइजा पे मैं काम कर रहा था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर. नॉर्मल जो एक ही कंपनी की आ रही थी तो हमें वो प्रोसीजर याद था कि क्या क्या करना है. एक दिन किसी और दूसरी कंपनी की एलाइजा प्लेट आई, हमने वही सेम प्रोसेस अपनाया जो पहले अपना रहे थे. लेकिन गलती ये हो गई कि उस बार दो बार वॉशिंग करनी थी और मैंने 120,000 रुपये की एलाइजा प्लेट खराब कर दी. अब मैं इतना डरा हुआ था कि क्या होगा, मतलब आप समझ सकते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में 120,000 बहुत बड़ी बात होती है. मेरे सर ने मुझे देखकर बोला, बेटा कोई बात नहीं. मैंने उनसे बोला, सर आप डांटो मारो मेरे को, ऐसा कोई बात नहीं मत बोलो. वो बोले, नहीं बेटा, कई बार डांटने से अच्छा ना बच्चों को माफ कर देना चाहिए, ये उनकी लाइफ भर का सीख बन जाती है. तो मैंने तब से सीखा और मैं अपने बच्चों को उनकी गलती होने पर डांटने की बजाय माफ करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ. मेरे टीचर से या मेरे सीनियर से मैंने एक बात सीखी है, जो मतलब मैं जो भी सीनियर्स हैं, इवन जो जूनियर्स हैं जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ, तो मैं उनसे उनको भी टीचर्स डे विश करता हूँ. तो मैंने ये बात जरूर सीखी है कि आकाश बड़ा वो है जिसको हर कोई बड़ा कह सके, और बड़ा वो नहीं है जिसको कोई एक शख्स बड़ा कहे. तो आपको ये हमेशा कोशिश करनी है कि अगर आप अच्छे हैं तो सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करें. अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो सबकी नज़रों में टॉपर बनना चाहें, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक शख्स आपको टॉपर बोल रहा है और आप कूद कूदते फिर रहे हैं, आप बस सातवें आसमान पर हैं. सो इस बात पर मुझे एक टीचर का नाम याद आ रहा है. एक सर थे हमारे, जय सर थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल देन यू हैव टू वर्क फॉर द शॉर्ट टर्म गोल्स ऑल्सो. इज इट कि अगर आप लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना होगा. तो यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ काफ़ी टाइम पे कि इसको इम्प्लीमेंट करें आप अपनी लाइफ में. कि अगर आपको लगता है कि आप अपने बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपको फुल स्कोर करना है, तो उससे पहले जो एग्जामिनेशन है, उससे पहले जो टेस्ट है, आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए और उसमें भी अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाए. आई थिंक ग्रोइंग अप मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, तो मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे स्कूल में, अजाज सर, वो मुझे काफ़ी पसंद थे. और वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि आपको एक ही स्पोर्ट्स खेलना है, मतलब वो चाहते थे कि मल्टीपल चीज़ें मैं ट्राई करूं. तो वही मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि ठीक है आपको पढ़ना है, सारे बच्चों को पढ़ना होता है, बट उसके अलावा आप अदर एक्टिविटीज़ में भी कितना इन्वॉल्व हो, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट. वैसे तो मैंने अपने टीचर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने उनसे सीखी है वो ये है कि आपके पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आएंगे जिनका लेवल जो है वो बाकी स्टूडेंट जैसा यहाँ पर नहीं होगा, उनके पास उतने सारे रिसोर्सेज भी यहाँ पर नहीं होंगे. तो एक जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है कि वो ऐसे लोगों को भी जो है वो अपना शिष्य यहाँ पर बनाता है, अपना स्टूडेंट यहाँ पर बनाता है, और उनके एम्पावरमेंट के लिए सेम उसी डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम करेगा जैसे वो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काम करता है. हैप्पी टीचर्स डे. जब टीचर्स भी कभी स्टूडेंट्स रहे थे सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और आज हमारे टीचर्स ने आपको वही बताया. राही सर का चाहे वो माफ़ करना हो, या फिर मेहताब सर का गोल सेटिंग हो, या फिर हमारे अभियान सर का ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स हो एट अ टाइम, वी हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम अवर टीचर्स. सो हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन.